सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें गौतम बुद्ध नगर में 10 अप्रैल को होने वाला चुनाव टालने और मतदान के लिए नई तारीख तय करने की मांग की गई है। याचिका में कांग्रेस उम्मीदवार रमेश चंद तोमर के बीजेपी में शामिल होने को आधार बनाते हुए नोएडा का चुनाव टालने की मांग की गई है। इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है। मोदी के साथ गले मिल रहे ये है रमेश चंद तोमर। तोमर को कांग्रेस ने दिल्ली से सटी गौतम बुद्ध नगर सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन नेताजी ने ऐसे वक्त में मैदान छोड़कर पाला बदला कि कांग्रेस मझधार में फंस गई। रमेश चंद तोमर ने चुनाव से महज 6 दिन पहले यानी 4 अप्रैल को बीजेपी का दामन थाम लिया और एक तरह से विपक्षी पार्टियों को वॉकओवर दे दिया। तोमर के दल बदल के खेल ने गौतम बुद्ध नगर के स्थानीय कांग्रेस नेताओं में खलबली मचा दी और वो अब पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। स्थानीय नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 10 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर में होने वाले चुनाव को आगे टालने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है, लिहाजा अपनी पसंदीदा पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने के अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाकर कांग्रेस को उम्मीदवार उतारने का मौका दिया जाए। दरअसल जिस वक्त रमेश चंद तोमर ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की उस वक्त तक नामांकन की तारीख निकल चुकी थी, लिहाजा कांग्रेस गौतम बुद्ध नगर सीट पर किसी और प्रत्याशी को खड़ा नहीं कर सकती थी। हालांकि बीजेपी ज्वाइन करने वाले रमेश चंद तोमर को नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया। तोमर की माने तो आज मोदी देश की जरूरत है और उन्हें पीएम बनाने के लिए ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं। आज देश के की जरूरत मोदी जी है, पूरा देश मोदी जी का नेतृत्व चाह रहा है, तो मैंने भी सोचा कि जब देश मोदी जी को चाह रहा है तो मैं क्यों ना अपनी पुरानी पार्टी में आ जाऊं। मैं अपनी पुरानी पार्टी में आ गया। बीजेपी में शामिल होने से पहले तक रमेश चंद तोमर जोर शोर से कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे। बताया जाता है कि तोमर क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस मुख्यालय से मोटी रकम भी लेकर आ चुके थे। आरोप तो ये भी लगे कि वो प्रचार का पैसा भी लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि तोमर की दलील है कि वो सारा पैसा प्रचार में पहले ही खत्म कर चुके हैं। धड़ी में तो आपने रिकॉर्ड बनाया, रमेश चंद तोमर कहा जा रहा है आपकी मोटी डील हुई है। आपको दिया कि आपने उन्हें धोखा दिया? अब ये तो मैंने देखा तो उन्होंने मुझे धोखा दिया, तो मैंने कहा ऐसा दल जिसके कार्यकर्ता ही धोखा दे रहे हो, दूसरे से सांठ गांठ करके अपने ऑफिसर प्रत्याशी को हरा रहे हो। रमेश चंद तोमर ने अगर पैसा खर्च भी कर लिया तो भी उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज की तारीख में वहाँ कांग्रेस से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। बहरहाल गौतम बुद्ध नगर में चुनाव होगा या रोक लगेगी, इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को करना है। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज 24।